बात तो बहुत दूर की बात, हो सकता है कि विपक्ष में भी जगह ना मिले। और भैया क्योंकि आप आपके माध्यम से कही जा रही है, तो जो लोग बहुजन की बात करते हैं, अरे भाऊ जो लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे हैं, कहते हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचार मेरी साहब उसे चेंज कर लो, उन लोगों को चाहिए कि वो किसी भी सूरत में टुकड़े ना होने दे, वो गठबंधन करे और मजबूती से लड़े और भाजपा को सत्ता से बेदखल कर। बाकी रही गई कसर तो भीम आर्मी वाली पूरे करते हैं। ऐसी क्रांति फोर्स कम देखने को मिलती है, मिलती नहीं है भीम आर्मी। मीडिया को बात कर लो, लाइव चल रहा है। आप बिल्कुल तय कर ले, कमर कस ले, ना हम सोएंगे ना सोने देंगे जब तक 2019 की गद्दी ना पलटे। और कोई स्वागत समारोह कुछ भी नहीं होगा, किसी को अगर ये हो तो वो निकालने मन से, मैं जेल से बाहर ले आया कि हम काम करेंगे, ना कि यहाँ आप लोगों के बीच में सम्मान स्वागत समारोह करवाने। मैं आज फिर वादा करता हूँ, कमल वाली और विनय रतन सिंह गवाह है, मैंने एक वादा किया था बिहारीगढ़ में और कहा था तब तक माला नहीं पहनूंगा जब तक सहारनपुर से जाति का शोषण की घटनाएं खत्म ना हो जाए। 4 दिसंबर 2016 को मैंने माला पहनी यहाँ सहारनपुर में। आज मैं फिर वादा करता हूँ कि चंद्रशेखर तब तक कोई सम्मान नहीं करेगा जब तक सत्ता से भाजपा को उखाड़ ना दे।